हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपके चैनल आईटीआई सर्विसेज पर। दोस्तों, बीएड बीटीसी की डेट जो है वो फिर पढ़ी जा चुकी है, कब तक है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी बहुत से लोगों ने जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं करा पाए थे और ऑनलाइन करने में थोड़ा सा उनको मतलब छूट गया था, तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपने फॉर्म को जो है फिर से डेट एक्सटेंड की जा चुकी है और ये ऑफिशियली नोटिस है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप यहाँ पे सारी बात कह सकते हैं और यहाँ पर ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा नोटिस किया, थोड़ा नोटिस ब्लर भी है और नोटिस में ये सारी चीज़ें हो जाती। खैर, ये ऊपर का देखने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर है, ठीक है, कि ऑनलाइन की जो डेट है वो पूरी तरीके से गई और 12-10 तक निर्धारित थी, यानी जो फॉर्म की डेट थी वो 12-10 तक ही निर्धारित कर दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर फॉर्म भरने की क्राइटेरिया रखा गया था। उसके बाद भी बहुत से लोगों का फॉर्म रह गया था, बहुत से लोगों ने इसको फॉर्म भर नहीं पाए थे, तो यहाँ पर फिर से दिया गया है। तो अब यहाँ पर फॉर्म भरने की क्या डेटें हैं, कैसे हैं, तो पूरी बात आपको मैं देखते ही आपको समझाया। यहाँ फॉर्म करने की जो तिथि है वो 16 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी 16 अक्टूबर से ये फॉर्म जो है स्टार्टिंग की जाएगी। 16 अक्टूबर आज ही है और आज दोपहर अपराहन मतलब दोपहर से जो है ये शुरू होगा, ठीक है। और ये कब तक होने वाली है, ये जो है 22 अक्टूबर तक होने वाली है। तो अब जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क अंतिम तिथि ये दी गई, यानी अगर अब आपको फॉर्म भरना हो या फॉर्म भरने कैसे भरना हो तो उसको भी मैं बताता हूँ। तो बस आपको ज़्यादा कुछ करना है, आपको गूगल खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल खोलते हैं, गूगल खोलने के साथ ही यहाँ पर आपको गूगल सरकारी रिजल्ट या बीटीसी जो भी लिख दीजिए, बीटीसी लिख देते थे, बीसीसी फुल फॉर्म लिख दीजिए, बीटीसी या सरकारी रिजल्ट आप खोल दीजिए, ठीक है ना। तो सरकारी रिजल्ट अगर आप खोलते हैं तो सरकारी रिजल्ट पे आ जाएगा। जैसे सरकारी रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जो है मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे नीचे के कॉलम में आएंगे, एडमिशन लिखा हुआ ना, यूपी डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म डेट एक्सचेंज, यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 22-10 यहाँ पे दी गई है, 18-9 से शुरू था, इसके कब कब कितनी एजेस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करिए, अप्लाई ऑनलाइन जो है क्लिक करिए। पहले वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेते थे, अब ये वेबसाइट थोड़ा जल्दी खुल रही है, तो यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अभी ये क्लोज बता रहा है अभी, लेकिन ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डेट एक्सचेंज की क्राइटेरिया बता रहा है, देख सकते हैं कि डेट जो है बता रही है। तो अब जिन लोगों ने अपने फॉर्म को नहीं भरे वो लोग फॉर्म को भर लें ताकि सारी चीज़ें हो सके। उसके साथ ही साथ आपको अगर फॉर्म भरने में भी दिक्कत आए तो आपके सामने ये नंबर दिया गया, आप इन फोन करके भी फॉर्म को भरवा सकते हैं। अब ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक है, यानी आपको फाइनल जो है 22 अक्टूबर तक भरना है। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर, यानी अगर फीस वगैरह लेट करने हो, और प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर, यानी 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे क्राइटेरिया दिया गया है, आप जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं और आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली नोटिस है, मैं ऐसा नहीं कि कुछ और भी नोटिस पर बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो भी अपडेट्स है वो आप तक ले आकर आता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई, नंबर नोट कर लीजिए और इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।